हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे सामने कुछ आम रखे हुए हैं। तो आम का सीजन है तो आम का रेसिपी तो बनता है। तो चलिए आज मैं आम का रेसिपी, आम का सालसा बनाने जा रही हूँ, यानी कि मैंगो सालसा। मैंगो सालसा बहुत तरीके का बनता है, अलग तरीका है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मैंगो सालसा कुछ अलग तरीके से। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक चॉपिंग बोर्ड में कुछ आम लिए और उसको अच्छी तरह से वॉश करके छील के उसको काट लिया है। तो अब एक बोल में मैंने आम के टुकड़े को ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ खट्टी मीठी। इसके लिए मैंने यहाँ पे आम को रख दिया है एक बोल में और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक चॉप किया हुआ प्याज और दो चॉप किया हुआ हरी मिर्च और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया पत्ता और यहाँ पे थोड़ा सा मिंट यानी कि पुदीने के पत्ते लिए हुए हैं और यहाँ पे ले रही हूँ दो चम्मच लेमन जूस, नींबू का रस और छोटा स्पून का आधा स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 स्पून पेपरिका पाउडर। अब ले रही हूँ थोड़ा सा नमक। अब यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 स्पून चाट मसाला पाउडर। अब लास्ट में मैं यहाँ पे कुछ खट्टा मीठा बनाने के लिए ले रही हूँ हनी। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच हनी। हनी डालने के बाद इसका टेस्ट और बढ़िया होगा, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने डाल दिया है तो अब इसको अच्छी तरह से मिला। तो ये कुछ खट्टा मीठा और तीखा मेरा मैंगो सालसा आप भी इस तरह से अपने किचन में बना सकते हैं। और ऊपर से डेकोरेशन करने के लिए मैं थोड़ा सा अनार का दाना यानी कि पोमोग्रेनेट इस पे डाल रही हूँ। ये रहा मेरा मज़ेदार मैंगो सालसा रेडी। आप भी अपने किचन में इस तरह से झटपट से बना सकते हैं और इस तरह का अच्छा और झटपट सा रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए रोज का किचन एंड ब्लॉग। तो आज का मेरा रेसिपी इतना ही। अब इसको मैं डालूंगी फ्रिज में और उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद खाऊंगी, सर्व करूंगी। तो अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं। और अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगला रेसिपी में मैं फिर अच्छा लेके आने का कोशिश करूंगी। तब तक के लिए मैं रोशनी मानू आप लोग से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।